उन साथियों को जिन्होंने आज पार्टी पे भरोसा किया, और रोज़मर्रा जो ज्वाइनिंग हो रही है, खासकर सजाद साहब की जो सरबराई में, इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और खान साहब के को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आजकल। उसके साथ साथ क्योंकि दो तीन चीज़ें आपने बता दी कि जैसे जो माहौल जो बना हुआ है, जो आफ्टर UD 370 अब्रोगेशन के बाद जो सबसे बड़ी तकलीफ दे जो है कि अगर आप ऑलमोस्ट देखोगे जितने भी सबका असेंबली मेंबर्स है या जो मिनिस्टर रहे हैं या MLAs रहे हैं, तो जहाँ पर भी आप देखो तो उन्होंने जो है जो भी गवर्नमेंट लैंड है खास करके उसके ऊपर अपना कब्जा किया हुआ है, जमाया हुआ है, और जो इकलौता फिक्रिया है, और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को चाहिए कि वो जो ज़मीन है जो इन्होंने कब्जे में की है या खाई है, गवर्नमेंट की जो लैंड है जो भी साहब के MLAs हैं उनसे निकाली जाए, और आवाम को वो अमानत जो है वो खास करके अमानत जो है आवाम को वापस दिया जाए। रही बात इलेक्शंस की, और क्योंकि वो लोग ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादा फिक्रमंद है इलेक्शंस की, जिन लोगों के पीछे कुछ न कुछ जो है, मैं नाम नहीं गिनना चाहता हूँ, कोई ऐसे लोग नहीं है जिनको हवाला मनी का मामला नहीं है, जिन्होंने कोई ना कोई करप्शन चार्जेस जिनके खिलाफ है, तो कैसे उस करप्शन से बाहर निकले, कैसे बचा जाए, और वो लोग ज़्यादा फिक्र में हैं, ज़्यादा जल्दी में हैं इलेक्शंस। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि भैया आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, जो कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर देश के गृह मंत्री की भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया कि स्टेटहुड वापस मिले, उसके बाद ही इलेक्शंस हो, ताकि एक CM या जो भी मिनिस्टर बनता है उसका कोई मतलब हो। अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, होम डिपार्टमेंट नहीं है, तो आप CM किस चीज़ के हैं? उनको सोचना चाहिए, जो लोग बार बार इलेक्शन की बात करते हैं कि उनको सोचना चाहिए कि वो किस चीज़ की मिनिस्ट्री ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, कि अगर रिप्रेजेंटेशन उनको मिल नहीं रही है उसके बाद भी, अगर आप इलेक्ट भी होते हो, CM भी बनते हो कल, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती तो मतलब क्या उस इलेक्शन का। लेकिन बार बार हम हमारी पार्टी यही कह रही है कि भैया जो कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर देश के प्रधानमंत्री की कि स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाए, उसके साथ उन लीडरों की मुखालफत करना जो लीडर इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो लीडर जो है श्रीमती इंदिरा गांधी हो, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, उन लोगों को अपने गिरेबान पे देखना चाहिए। जो लोग गाली गलौज के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बैड लैंग्वेज यूज करते हैं उन लीडरों के नाम पे, उनको पहले अपने दामन में देखना चाहिए। और बड़ा दुख लगता है जो भी लोग रहे, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे जैसे मैंने कहा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, लेकिन जितना भी कुछ उनसे हो सका जम्मू कश्मीर के बहबूदी के लिए उतना किया। आप नहीं चल पाओगे, ना आपकी जात, ना आपकी पात, ना आपकी बुनियाद, ना आपकी जड़, ना आपकी पार्टी कहीं रजिस्टर्ड, अभी तो तुम JNK में रजिस्टर्ड नहीं हो। उन लोगों को चाहे सोचना चाहिए, और पीछे तुम एक आध दफा मिनिस्टर बन भी गए तो कुर्सी बड़ी तूफान हुई, लेकिन मेहरबानी करके अपनी जबान पे ये लोग कंट्रोल करें।